न्याय भारत और इस समय हम मौजूद हैं मिस्टर वर्ल्ड पारस गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने अभी हाल ही में अलीगढ़ में जो एक निर्मम हत्या कर दी गई मासूम बच्ची की, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। तो हम बात करना चाहेंगे पारस गुप्ता जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्याय भारत में। हमारा सवाल ये है कि अलीगढ़ में अगर आपको, आपने इस मामले को के लिए प्रोटेस्ट किया है दिल्ली में, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अलीगढ़ में एक मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका क्या असर पड़ा दिल्ली में? आपको क्या लगा कि जो रिएक्शंस आने चाहिए थे वो दिल्ली से आए या नहीं आए? पहली बात तो जब मेरे को इस मामले के बारे में पता लगा कि 2.5 साल की एक छोटी सी लड़की के साथ मर्डर कर दिया गया, सिर्फ वो भी मात्र 5-10 हजार रुपए के पीछे। 5-10 हजार रुपए कहने के लिए कुछ भी नहीं होते, पर जिन लोगों ने कराया उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 2.5 साल की लड़की की जो सब है, जो उसके घर में, उनके घर में भी पड़ा रहा तीन दिन तक, और पुलिस वालों को खबर तक नहीं थी जरा सी भी, बिल्कुल भी, और पुलिस वालों को जरा सी खबर भी नहीं थी। उसके बाद उसकी आंखें भी निकाल दी गई, सुनने में आ रहा था एसिड भी फेंका गया है। आपने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, आपको कब पता चला कि ये घटना घटित हो चुकी है? दिल्ली में इसका असर कब दिखना शुरू हुआ? सैटरडे को जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो मुझे कहीं से अपडेट हुई, पता लगी, तो उसके बाद एज अ यूथ मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि क्या क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो ऑफिस बंद करके, अपना हेल्थ क्लब वगैरह बंद करके, मैं तो सिर्फ कैंडल मार्च के लिए मैं निकल गया। मेरे साथ 2-4 लोग और थे जो कैंडल मार्च के लिए गए थे, हमारा प्लान था लक्ष्मीगढ़ से राजघाट जाने का। तो मेरा तो एकदम से खून सा खोल गया, रू तक कांप गई कि हाँ भाई ये हुआ क्या है, रोजाना ऐसे केस हो रहे हैं, पहले आसिफा कांड, उससे पहले निर्भया कांड, रोजाना ऐसे केस हो रहे हैं। मतलब यूथ कहाँ बैठा है, यूथ क्यों बाहर निकल के नहीं आ रहा? अगर क्रिकेट मैच हो रहा होगा तो पूरे पूरे दिन अपना दिन खराब कर देंगे, सट्टा लगा लेंगे, पूरे पूरे दिन दोस्तों के साथ बैठ के दारू सी पी सकते हैं, पर ये जो किस चीज के लिए बाहर आना चाहिए वो चीज के लिए देश के यूथ जो है, यंग जनरेशन जो बाहर नहीं आ रही है, गलत कामों में लगे हैं, नशे में लगे हैं, और जिसके लिए बाहर आ रहे थे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कैंटन मार्च के लिए निकला, लक्ष्मीगढ़ से मैं गणेश नगर गया, हमारे डेरी गया, वहाँ से फिर रक्षाधाम जाना था, फिर वहाँ से राजघाट। उसी बीच हमारी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली सबकी, हम लोग 50 से 60 लोग थे, हम लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई मंडावली थाने में ले जाया गया। फिर वहां से मंडावली थाने में हमारे 1-1.5 घंटा खराब करने के बाद फिर हमें 1-1.5 घंटा हमारा शेखपुर थाने में खराब कर दिया गया। हमारी पूरी रात काली कर दी गई, ना कि हमने कोई वारंट करा, ना कि हमने कोई तोड़फोड़ करी, ना ही हमने कुछ करा, हमने सिर्फ कैंटन मार दिया था। तो और यहाँ तक कि आपको एक बात और बताऊं, पुलिस वाले खुद भी अपडेट नहीं थे इस न्यूज से, वो पुलिस वाले खुद पूछ रहे थे, जैसे कि वो खुद पूछ रहे थे जब हमारे यहाँ पे बैनर्स थे कुछ थे, वो खुद पूछ रहे थे कि ये किस लड़की की फोटो है, वो जब पुलिस वाले खुद, आप लोग खुद बताओ, मैं जनता से पूछा, खुद पुलिस वाले खुद अवेयर नहीं है तो जनता कहाँ से अवेयर हो सकती है, बताओ कहाँ से जनता अवेयर होगी? जनता का तो हम लोगों को खुद ही उसको अवेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग सड़कों पर आए और हमने कैंडल मार्च करी। जब तक सरकार का सिस्टम नहीं बिगड़ेगा, सिस्टम को हम नहीं बिगाड़ेंगे, जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी कोई दबाव किसी तरह का कोई भी काम कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई जब ही करेगी सरकार, जब कोई प्रेशर बढ़ेगा, कोई सिस्टम बिगड़ेगा, जब ही, जब पुलिस वाले खुद ही अवेयर नहीं है तो हम अपने कहां से अवेयर हो गया। उन लोगों को पूरी घटित घटना हमने समझाई बताई, जब जाके उन लोगों को पता चला कि यहाँ भी भारत देश के अंदर कुछ ऐसा भी हमारी छोटी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो आपके साथ कितने लोगों को अरेस्ट किया था पुलिस? मेरे साथ 10 लोगों को अरेस्ट करा था, उसमें महिलाएं भी थी, और तीन महिलाएं थी उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। तो अरेस्ट करने जब पुलिस आई तो क्या उनके साथ लेडीज पुलिस थी? उनके साथ कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी, मतलब कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, उन्होंने लेडीज को अरेस्ट करा। हाँ जी, हमारे साथ 3 घंटे तक धक्का मुक्की करते रहे पुलिस वाले, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे धक्का मुक्की करते रहे, बदतमीजी से बात करते रहे, मारपीट करने की कोशिश करी उन लोगों ने, वो तो हम अपने आप हम लोगों को बचाते रहे। तो एक कोई साथ हमारे साथ एक भाई साथी के साथ भी एक मारपीट भी करी सुनने में आया। उसके बाद हमें ले जाया गया पुलिस थाने, और हमारे साथ लेडीज को भी ले जाया गया, 3 लेडीज को वहाँ पे थाने में, कोई भी लेडीज पुलिस मौजूद नहीं थी। थाने में भी कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? थाने के अंदर हमारे केस में तो कोई भी नहीं, हमें अपने इर्द गिर्द तो कोई भी लेडीज पुलिस दिखाई नहीं थी। और कितनी देर वहाँ पे महिलाओं को रखा गया? हम 1.5 घंटा थाने में थे, मंडावली थाने में। और किस टाइम आपको अरेस्ट किया गया था? ये रात को 12 बजे की बात है। रात को 12 बजे आपके साथ महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के टाइम कोई महिला पुलिस नहीं थी, कोई महिला पुलिस थाने में, कोई महिला पुलिस नहीं थी थाने में। आप सिस्टम बिगड़ा, कहाँ से कहाँ तक बिगड़ा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ, ऊपर से नीचे तक।
मतलब ऐसे ऐसे बहन बेटियों के साथ रोजाना कितने कांड होते हैं ये आप सब जानते हो। फिर कोई कांड सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि पैसे देके रिश्वत लेके वो केस सारे दबा दिए जाते हैं, फाइलों के अंदर बंद कर दिए जाते हैं और दबा दिए जाते हैं, पीछे कर दिए जाते हैं। एक आध साल में एक आध केस है जो ऊपर आ पाता है, वो भी दबा दिया जाता है। अगर हमारे जैसा युद्ध हमारे जैसे नौजवान अगर आगे नहीं आएगा तो हम तो अगर मैं तो ऐसे केस रोजाना होते रहेंगे, ऐसे ही देश में क्रिमिनल क्राइम बढ़ता रहेगा और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा ऐसी चीजें करने का। जब तक उनको पब्लिक के हवाले नहीं छोड़ दोगे, फांसी नहीं लगा दोगे, ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लोगे, जब तक ये चीजें बंद होने वाली नहीं है। यही मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ। और अब तो पूरी बहुमत के साथ मोदी सरकार है तो अभी भी कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्याय भारत।